दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में अपना फोटो लगा सकते हो। यहां पर गाइज अभी आप देख सकते हो मैंने भी यहां पर फोटो लगा रखा है जो देखने में गाइज काफ़ी प्यारा लग रहा है। यहां पर गाइज आप कैमरे से क्लिक किया हुआ फोटो भी लगा सकते हैं, साथ ही साथ अगर आप कहीं से डाउनलोड करके लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। दोनों ही तरीके गाइज 100% वर्किंग है और ट्रिक काफ़ी आसान है, केवल आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर गाइज आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको सर्च करना है टेकी जादू। ओके गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो मीनिंग स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। जैसे आप सर्च करोगे आपको यहाँ पर पहले नंबर पर आपको हमारा ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। तो यहाँ पर गाइज आपको करना क्या है, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। यहाँ पर गाइज आपको लेटेस्ट ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो, एंड उसी के नीचे आपको सबसे पहला आर्टिकल मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो नोटिफिकेशन बार फोटो। तो इसी तरीके से गाइज आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो ये आर्टिकल ओपन हो चुका है। यहाँ पर गाइज आपको ध्यान रखना है, मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम देकर आपके लिए पूरा का पूरा डिटेल में ये जो है आर्टिकल तैयार किया है, जिस पर गाइज टाइम भी काफ़ी लगा है, लेकिन आपको पूरा सही इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ इसके लिए यहाँ पर यह आर्टिकल दिया गया है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ना है और समझना है इसके हर एक स्टेप को, एंड उसके बाद गाइज आपको करना क्या है, नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। आर्टिकल को पूरा पढ़ने के बाद गाइज यहाँ पर आपको नीचे एक डाउनलोड बटन मिल जाता है, सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसकी मदद से गाइज आप अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन बार में फोटो लगा पाएंगे। तो यहाँ पर गाइज आप सभी का टाइम बच सके इसलिए मैंने इस एप्लीकेशन को पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो चलिए सीधा चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो ये रहा गाइज वो एप्लीकेशन जिसकी मदद से गाइज ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इसे ओपन करते हैं। एप्लीकेशन जैसे ही ओपन होता है गाइज आपको सबसे पहले पेज पर कुछ इस तरीके से तीन परमिशन मांगी जाएंगी। यहाँ पर देख सकते हो डुअल सिम, एक्सेसिबिलिटी और नोटिफिकेशंस। आपको वन बाई वन इन सारी परमिशंस को अलाउ करना है ताकि ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में अच्छे से वर्क कर सके। तो चलिए सबसे पहले इसे अलाउ कर लेते हैं, उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस समझेंगे। एप्लीकेशन की सारी परमिशंस को जैसे ही आप अलाउ कर दोगे गाइज आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो। एंड यहाँ पर गाइज आने के बाद आपको कौन कौन से ऑप्शंस को यहाँ पर कस्टमाइज करना है वो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो को गाइज ध्यान से देखते रहना। लेकिन उससे पहले गाइज आपको करना क्या है, सबसे पहले जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले भी टाइम में भी गाइज आपको बहुत ही कमाल के और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं। साथ ही यहां पर जो बेल आइकन बन के आएगा इसे आपको ऑल पर प्रेस करना है ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। एंड वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर गाइज आपको करना क्या है, आपको अपने फ़ोन का पूरा नाम लिखकर हमें ज़रूर बताना है। तो यहाँ पर गाइज मैंने लिखा टेक्नो स्पार्क 7 एंड यहाँ पर गाइज मैंने कमेंट कर दिया। सेम गाइज आपको भी ऐसा ही करना है, अपने फोन का नाम लिखकर जरूर कमेंट करना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर गाइज आने के बाद गाइज सबसे पहला जो आपको पहला नंबर पर जो ऑप्शन मिल जाता है कस्टम बैकग्राउंड इमेज, यही ऑप्शन आपके लिए काफ़ी खास है एंड इसे ध्यान से समझना। सबसे पहले गाइज आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपके सामने दो ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं रिमूव एंड सेलेक्ट। होता क्या है गाइज, जब भी आप अपने फोन के नोटिफिकेशन बार में फोटो लगा लेते हैं और उसे हटाना चाहते हैं तो आप रिमूव ऑप्शन के जरिए ये सब कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपको सेलेक्ट बटन पे क्लिक करना है, गैलरी से उस फोटो को सिलेक्ट करना है जो आप इस नोटिफिकेशन बार में लगाना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी गाइज मैंने इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया है, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर गाइज आपको एडजस्ट किस तरीके से करना है इमेज को वो देख लेना। यहाँ पर गाइज आपको इमेज के ऊपर जो आपको साइज दिख रहा है सेम इसी तरीके से आपको स्पेस देना है ताकि ये जो है एडजस्ट हो सके अच्छे से आपके फोन के नोटिफिकेशन बार में। एंड उसके बाद गाइज आपको कॉर्नर में सिलेक्ट बटन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब ये फोटो आपके नोटिफिकेशन बार में लग चुका है। अब अगर आपको प्रीव्यू लेना है तो यहाँ पर जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो आपके फ़ोन के नोटिफिकेशन बार में ये फोटो आ चुका है। चाहे फिर गाइज कैमरे से क्लिक किया हुआ फोटो हो या फिर कहीं से भी डाउनलोड किया हुआ फोटो, दोनों आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और उसके बाद गाइज आप देख सकते हो आपके फ़ोन का जो नोटिफिकेशन बार का जो लुक है वो काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी अमेजिंग हो चुका है। एंड यहाँ पर गाइज इसी तरीके से मैंने दो और नए नए ट्रिक्स आपको बताए हुए हैं जिसके जरिए गाइज आप अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन बार में फोटो लगा सकते हो। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही एंड स्क्रीन पर भी वो आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो दोनों को जरूर देखना क्योंकि हर एक वीडियो में गाइज मैंने आपको नया नया तरीका बताया है। तो इस तरीके से गाइज आप अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन बार में अपना फोटो लगा सकते हो। एंड इससे जुड़ा गाइज अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को गाइज लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस करना, क्योंकि जल्द आपको बहुत ही कमाल के वीडियोस मिलने वाले हैं। चलिए गाइज, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।